अस्सलाम वालेकुम। FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कस्टमर इंस्पेक्टर्स की असामी आई हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। फ़ीस आपको पहले बैंक में जमा करवानी है। ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल मेथड, एडवर्टाइजमेंट और फॉर्म के साथ आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं इसके लिए जो ऑनलाइन आपने सबमिट करने हैं, छोटी सी वीडियो वॉच करें और इस अपॉर्चुनिटी को गेन करें। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए FBR में जॉब्स आई हैं। तफसीलात की डिटेल जानने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं वर्से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें और साथ में वेबसाइट से जॉब सिटी ओपन करें, जहां पे आपको इस यूट्यूब चैनल पे जो भी जॉब वीज़ों गवर्नमेंट स्कीम गवर्नमेंट की जो भी अपडेट आती हैं उसकी तफसीलात का अप्लाई का लिंक वेबसाइट से जॉब सिटी के ज़रिए दिया जाता है, जहां पे आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने से तमाम अलर्ट जान सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको जिस भी कंट्री के लिए वीज़ों जॉब्स की इंफॉर्मेशन, अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात की डिटेल्स के साथ गवर्नमेंट किसी भी अदारे की जॉब्स की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप आके यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट जान सकते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे, जहां पे अप्लाई करने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए तक सैलरी पैकेज मिल सकता है। 40 साल तक के मर्द और ख्वातीन के लिए जो फिजिकली फिट हैं वो इंस्पेक्टर्स की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 अक्टूबर ही जॉब की लास्ट डेट है। अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि मर्द हजरात की जो कि छाती है 32.33.5 होनी चाहिए, उम्र की हद 20 से 28 साल होनी चाहिए, 5 साल रिलैक्सेशन रखी गई है और इसके लिए अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई की हद तक सर्विस चाहिए हो आप इस वेबसाइट को आके विज़िट करें और ये 03427467134 के ज़रिए आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के ज़रिए हमसे अपनी एजुकेशन तलीम बता के अप्लाई की हद तक सर्विस ले सकते हैं। वैसे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई के लिए आप ये दिए हुए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, चाहे आपने CV बनवानी हो। इस जॉब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताते चलें, आपको इसमें अप्लाई जो करना है पहले ये चलान फार्म जो FPSC की तरफ से है आप आके इसे क्लिक करेंगे, आपके पास ये चलान फार्म आ जाता है जिसको आपने पहले फिलअप करना है। याद रखें इसका पोस्ट का जो केस नंबर है वो आपको आगे चल के बताएंगे। ये चार पेपर हैं, एक बैंक वाले को दे देना है, एक आपने ऑनलाइन जब फिलअप करना है उसकी डिटेल देनी है, तीसरी टेस्ट और चौथी इंटरव्यू के वक्त आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी फ़ी जमा करवाने के बाद, इसको अपने पास ध्यान से रखना है। FPSC में अप्लाई करने के लिए विजिट किए गए बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ये पेज कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें काफ़ी ज़्यादा और भी वैकेंसीज आई हुई हैं और इनमें से आपको जो FBR में जो वैकेंसीज आई हैं कस्टम इंस्पेक्टर्स की, ये वाला केस नंबर 181/2024 है। ये केस नंबर आपको इसलिए बताया जा रहा है कि जब आपने चलान फॉर्म फिलअप करना है तो ये केस नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। केस नंबर फिलअप करने के बाद आपकी उम्र 28 साल तक के लिए मर्द और ख़वातीन के लिए दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पंजाब सिंध फाटा डिस्ट्रिक्ट से किसी भी आप इस जो है ज़िले से अप्लाई कर सकते हैं। सूबे से अप्लाई करने के लिए बैचलर आपकी तलीम होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी क्वालिफिकेशंस हो, कॉमर्स स्टैट्स इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस लॉ फार्मेसी केमिस्ट्री फिजिक्स और आपको इन सब्जेक्ट के अलावा BSc इंजीनियरिंग के रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशंस है तो आप इसके लिए अप्लाई के अहल हैं। अप्लाई दो जॉब पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा जिसमें आपने सबसे पहले अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, जिस बैंक आपने जो फ़ी जमा करवाई है यहाँ पे आप आके इसको क्लिक करें, जिस डेट को आपने फ़ी जमा करवाई है फ़ीस मैंशन कर दें, आपने नेशनल बैंक या स्टेट बैंक में फ़ी जमा कराई है, बैंक ब्रांच कोड जिस बैंक ब्रांच कोड में आपने फ़ीस चलान फॉर्म जमा कराई है उसकी डिटेल देने के बाद आपने यहाँ पर बैंक लोकेशन देनी है। अपना डोमिसाइल इशू डेट यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है कि सुबह से आपने जॉब के लिए अप्लाई करे हैं, आप मर्द हैं ख़वातीन, कौन सा डोमिसाइल आपका किस सूबे का बना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है और अपना आके डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप डोमिसाइल का सिलेक्ट करेंगे। आप टेस्ट सेंटर कहाँ पर इसका टेस्ट देना चाहते हैं, इंटरव्यू सेंटर आप कहाँ पर देना चाहते हैं नज़दीकी, अगर अल्लाह करे आपकी ये अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। और लास्ट डिग्री की आपकी जो डिक्लेरेशन डेट है वो आप मैंशन करेंगे, जिसमें आप ये क्लिक करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा जिस पे आपने अपनी यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करनी है। गवर्नमेंट जॉब अगर आप कर रहे हैं तो यस करें जिस पे, और अगर नहीं कर रहे तो नो करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे आ जाएंगे, जहाँ पे प्रोसीजर पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके पास फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म आप कुछ इस तरह से फिलअप करेंगे। आप जब नेक्स्ट इस पेज पे आ जाएंगे यहाँ पे आपको अपनी मौजूदा तस्वीर 30 KB की है जो वो अपलोड करनी होगी। आईडी कार्ड नंबर रिपीट आपको मेंशन करना पड़ेगा और आईडी कार्ड इशू डेट आपकी जो सी है वो टाइप करेंगे। एप्लीकेंट अपना नाम लिखेगा जो आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है और इसके बाद आपने अपने फादर या हस्बैंड का नाम टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है याद रखें, आईडी कार्ड के मुताबिक आपने बतानी है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट है आप, आर्मी के हैं, या अगर आप आज़ाद कश्मीर गिलगित बलोचिस्तान या कहीं गए आप आके उसकी डिटेल्स मैंशन करें
करें। मोबाइल नंबर आपने वो देना है जिसका नेटवर्क चेंज ना हो, जिस पे आपको एसएमएस की डिलीवरी यकीनी हो सके, जो आपका नेटवर्क ना चेंज हो। अगर आपका नेटवर्क चेंज होगा तो आपको टेस्ट या इंटरव्यू के आते वक्त आपको मुश्किलात का सामना हो सकता है, तो ऐसा फ़ोन नंबर नहीं देना जिसका नेटवर्क चेंज हो। नीचे आने के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर बताना है, यहाँ पर रिपीट रेजिडेंस और ईमेल अपना वो देना है जो वैलिड हो। नीचे आने के बाद अपना सेकेंडरी ईमेल, अगर आपका पहला ईमेल, फॉर एग्जांपल दो आप ईमेल यूज़ करते हैं, नहीं तो एक ही रहने दें, खुदा ना हासा अगर आप डिसेबल हैं तब लिखें, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। आपने यहाँ पे आने के बाद ऐड क्वालिफिकेशंस पे जब क्लिक करेंगे तो ऐड क्वालिफिकेशंस में पहले आपने मैट्रिक की डिटेल देनी है, फिर आपने इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशंस की। आपने जब यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो मैट्रिक आपने किस बोर्ड से कब किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैट्रिक आके यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि मैट्रिक मैंने कब किया, मैंने आके यहाँ पे महीना, साल, ईयर कोई एक मैं एग्जांपल के तौर पे रख लेता हूँ, एंटर करता हूँ और ये अब मुझसे पूछ रहा है कि कौन से बोर्ड से मैंने मैट्रिक किया है और मेरा ग्रेड क्या है या डिवीज़न क्या है या CGPA क्या है। मैंने आके मिसाल है ग्रेड ए कर दिया और मेरा मेजर सब्जेक्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आर्ट्स या साइंस कर ली, सेव के बटन पर क्लिक करूँगा, मेरे पास इसकी डिटेल आ जाती है। अगर मुझसे ये फॉर्म फिलअप होते हुए ये मैंने जो एजुकेशन लिखी है वो कोई बिलफर्स कोई गलत एंट्री हो गई है तो आप इसको डिलीट करके दोबारा ऐड कर सकते हैं। जब आप मैट्रिक कर लेंगे तो ऐड क्वालिफिकेशंस पे आने के बाद आप दोबारा से इसमें इंटरमीडिएट ग्रेजुएशंस की तलीम को मेंशन करेंगे और इसको ऐड करने के बाद फॉर्म को एप्लीकेशन रिव्यू पहले कर लेंगे फिर सबमिट कीजिएगा। याद रखें यहाँ पे चेक करने के बाद आपने एग्री कर लेना है कि मैंने जो फॉर्म सारा फिलअप किया है वो 100% ठीक है, कोई भी डाटा गलत होने की सूरत में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इस जॉब के लिए या गवर्नमेंट की किसी भी जॉब में अप्लाई की हद तक सर्विस लेना चाहते हैं 03427467134 के जरिए आप हमसे अप्लाई की हद तक सर्विस ले सकते हैं। FBR की कस्टम इंस्पेक्टर की जॉब के लिए मर्द और खवातीन दोनों अहल हैं, जिसका क्राइटेरिया आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करने से मिलेगा। लेकिन याद रखें इसमें अप्लाई करने से पहले आपको फीस बैंक में जमा करवानी है जो स्टेट बैंक या नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा होगी और उसका आपको बैंक कोड भी चलान फॉर्म के साथ ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हुए सारा टाइप करके भेजना होगा। जब आप ये फॉर्म फिलअप कर लेते हैं इस एप्लीकेशन का आपने प्रिंट आउट लेके अपने पास संभाल लेना है। आपका फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको SMS और ईमेल के ज़रिए कोड आएगा, इस चीज़ का यकीनी आपको बात पहचाई जाएगी कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। टेस्ट और इंटरव्यू की SMS के ज़रिए आपको रिप्लाई आएगा और आपको अगर टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो मैसेज आएगा उसी की बुनियाद पे आप अगले प्रोसीजर पे जा सकेंगे। मज़ीद इस जॉब की तफसीलात की डिटेल जानने का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन। वेबसाइट से जॉब सिटी ओपन करने के बाद अप्लाई के मेथड के साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के साथ बैंक की गवर्नमेंट स्कीम की तफसीलात की डिटेल से सबसे पहले आपको अपडेट मिल सकें, से जॉब सिटी वेबसाइट को रोज़ाना की बुनियाद पर विज़िट करें, जहाँ पर आपको व्हाट्सअप कम्यूनिटी के ज़रिए भी मज़ीद इस तरह की अलर्ट से सबसे पहले अपडेट दी जाती हैं। वर्ष ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें ताकि मजीद इस तरह की कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स की तफसीलात, गवर्नमेंट स्कीम की तफसीलात, इंटरनेशनल लेवल्स पे वीजा जॉब्स की तफसीलात की डिटेल से आपको सबसे पहले अपडेट दी जा सकें। अल्लाह हाफिज़।